तो फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है और हर एक फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ स्पेशल बनना तो कंपल्शन जैसा ही होता है हम इंडियन घरों में। तो करवा चौथ आने वाली है तो उसके रिलेटेड कोई स्पेशल रेसिपी बनाना तो बनता है ना। तो मेरी एक नेबर हुआ करती थी जो ये स्पेशल रेसिपी सर्गी के टाइम पे खाती थी, यानी कि जो सुबह में उठ के खाया जाता है खाना करवा चौथ के दिन पे, सुबह उठ के जो खाया जाता है उसमें ही खाती थी। और उन्हें ये लगता था कि इससे उनका पूरा दिन पेट भरा रहता है और उन्हें भूख भी नहीं लगती है। तो फिर चलिए उसी रेसिपी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने ना एक ले लिया है बोल, या फिर कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, और उसमें जो है हमें डाल देनी है चीनी। तो यहाँ मैंने 6 से 7 बड़े चम्मच जितनी चीनी डाल दी है, और पानी डाल के ना उसको मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया था। आप चाहें तो इसको गैस पे डाल के गर्म भी करके उसका मेल्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको 1-2 घंटे के लिए जो है वो साइड में रख दिया था ताकि वो शुगर वाला सिरप खुद ही बन जाए, नेचुरली बन जाए। फिर मैंने ले लिया एक और बर्तन जिसमें मैंने डाल लिया 1.5 कप जितना गेहूं का आटा, यानी कि व्हीट फ्लावर, और उसमें मैंने डाल दिए 4 बड़े चम्मच जितना घी। तो बेसिकली इसमें घी हम डालते हैं मोइन की वजह से, इससे जो हमारा नाश्ता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है अंदर से, तो इसलिए यहाँ पे घी डालना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं पहले उसे अच्छे से मिक्स करके हमें हाथ की मदद से एक बॉल जैसा बना के देखना है। तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी एक बॉल शेप बन रहा है, यानी कि है ना हमारा जो मोइन है वो प्रॉपर है। और अगर आपको थोड़ा मोइन कम भी लगता हो ना तो आप ज़्यादा घी और भी डाल सकते हैं, आप तेल भी डाल सकते हैं घी की जगह, लेकिन घी से सॉफ्ट होता है, हेल्दी होता है और फिलिंग भी होता है, इसलिए घी डालना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। फिर ये जो शुगर वाला सीरप था ना, इसको डाल के हमें धीरे धीरे करके जो है इसका आटा लगा लेना है। तो ये आटा जो है हमें थोड़ा सा सख्ती लगाना है। तो अब जो है हमने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। फिर उसके बाद हम एक रोलिंग बोर्ड लेके उस पर थोड़ा सा तेल डाल के इसको वापस एक हल्का सा नीड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है ना बिल्कुल ही सख्त वाला हमने लगाया था। और अब आप इसको देख रहे हैं कि मैं इसको तोड़ के इसके बॉल्स बनाने वाली हूँ, तो इसमें से मैं 2 बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है ना आटे का बिल्कुल सख्त है। तो आप देख रहे हैं ना अंदर से भी जो हमारा आटा है वो कैसा है, बिल्कुल सख्त वाला आटा है। इसको बिल्कुल भी रोटी या फुलके जैसा आटा आपको नहीं लगाना है, नहीं तो फिर वो जो हमारा नाश्ता है ना वो ऐसा लगेगा हम घी का रोटी खा रहे हैं, जबकि हम घी की रोटी नहीं खा के कुछ और ही डिफरेंट बना रहे हैं। तो उसके हमें ना बॉल्स बना देने हैं, थोड़ा सा हाथ से ना हमें पेड़ा बना देना है उसका, हमें डायरेक्टली इसको रोल नहीं करना है, इससे नहीं तो हमारा जो नाश्ता है ना वो प्रॉपरली रोल नहीं होगा, मतलब ऐसा टूटता जाएगा। इसके लिए अब हमने इसका एक पेड़ा बना दिया है, इसमें से हमारे 2 पेड़े बन जाएंगे, यानी कि 1.5 कप जितने आटे में से। तब थोड़ा सा तेल लगा के हम दोनों तरफ से जो है ये जो पेड़ा है इसको अच्छे से ऑयल से कोट कर देंगे, और धीरे धीरे करके हमें बेलन जो है वो लगाना है इसके ऊपर, और हमें ना एक इसको गोल शेप देना है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो साइड्स है ना उनमें थोड़े थोड़े क्रैक से आ रहे हैं, यानी जो हमारा आटा है ना एकदम सही लगा है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही लगा है। नहीं तो अगर क्रैक्स नहीं आएंगे, एकदम प्लेन बनेगा, तो फिर वो रोटी बन जाएगी और हमें रोटी नहीं बनानी है। तो इसके लिए हमें इसे बहुत ही आराम आराम से इक्वली हर साइड से बेलना है, और बिल्कुल भी ऐसा मोटा पतला नहीं रखना है। तो हमने जो है इक्वली सारे साइड से इसको बेल लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है वो इतनी होनी चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो पर, इतना ही थिक होना चाहिए। अब जो है हम इसको डाल देंगे हमारे पैन के ऊपर। तो अब हम तब तक ये बन रहा है, हम दूसरा भी हमारा जो बॉल हमने बनाया था उसको भी हम इक्वली अच्छे से रोल कर देंगे, जैसे हमने हमारे पहले वाले को रोल किया। तो अब हम इसका भी पेड़ा बना के इसको भी इक्वली रोल करके इसका भी उतना ही थिकनेस मेंटेन करके हम इसको साइड में रख दें। अब हमने जो ऑलरेडी तवे पे डाल दिया है उसको हम इक्वली दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक या तो घी या तो तेल की मदद से सेक लेंगे, लेकिन इसको आपको स्लो फ्लेम पे ही सेकना है। नहीं तो अगर आप बहुत ही जल्दी जल्दी में हाई फ्लेम पे सेक लेंगे तो बाहर से तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जो अंदर का पार्ट है ना इसका वो बिल्कुल भी पकेगा नहीं, और आपको ऐसा लगेगा कि आप कच्चा आटा खा रहे हैं, जो कि मुझे पता है आप खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे।
इसके लिए आपको बहुत ही पेशेंटली स्लो फ्लेम के ऊपर दोनों साइड से तेल लगा के आराम आराम से इसको सेकना है गोल्डन ब्राउन होने तक। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। इसको आपको बाहर से क्रिस्पी रखना है और अंदर से सॉफ्ट रखना है। सॉफ्ट का मेरे कहने का ये मतलब है कि कच्चापन नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर से खाने में एकदम नरम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये ब्राउन होना शुरू हो गया है और हम इसको आराम से पेशेंटली दोनों साइड से सेक रहे हैं। और अब हमारा जो नाश्ता है वो बनके रेडी हो गया है और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं और आप आराम से इसको सर्दी में खा सकते हैं। और ये पता है बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको कुछ ऐसा फिलिंग लेके जाना है जो एकदम जिसके लिए आपको कोई स्पेशली प्लेट्स या कोई भी ऐसे तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब खाली एक उठाया हाथ में और फटाफट से खा लिया, तो ये उसके लिए परफेक्ट नाश्ता है। तो इसको ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना ना कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। और हाँ, इसे आप दही या चार के साथ भी खा सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।